सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र की पत्थलगढ़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टेट बैंक के समीप एक विधवा महिला के घर में बीते गुरुवार की रात्रि करीब 12 बजे बरवाडी निवासी इरशाद मियां की उर्फ खेटा के द्वारा घर में घुसकर सोई हुई महिला के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। हो हल्ला करने के पश्चात इरशाद के द्वारा चाकू दिखाकर फिर से इज्जत लूटने का प्रयास किया गया। ज्यादा शोर शराबे से डरकर इरशाद मियां महिला के घर से बाउंड्री टपकर भाग निकला। इससे पीड़ित महिला ने पत्थलगढ़ा थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि इस घटना को लेकर भारतीय स्टेट बैंक पत्थलगढ़ा के सीसीटीवी फुटेज में भी कैद किया गया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि 24 घंटे के अंदर अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बजरंग दल के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मामले को लेकर पत्थलगढ़ा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ कांड संख्या 20/23 दर्ज कर लिया गया। मामले की छानबीन की जा रही है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिमरिया से प्रमोद राणा की रिपोर्ट। रोशन छत कुशवाहा। मेरे घर में जो घटना घटा है उसके विषय में तू कुछ बता सकता है? हाँ बता सकता हूँ। मम्मी को जब ढकला था बेड पे तब हम उठे और बहुत कस के चिल्लाने लगे, तब चाकू भी निकाला था और जब ज्यादा कस के चिल्लाने लगे तब भाग गया। उसको कहती कोई पकड़ा नहीं अभी तक? नहीं, एक पुलिस को दिए थे तो नहीं पकड़ा। बहुत दुखद घटना है और इस पर प्रशासन और थाना प्रभारी माननीय यहाँ का चतरा एसपी जो है उनसे हम लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर ऐसे जिहादी को जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग सभी लोग मिलकर के ये पत्थलगढ़ा ग्राम पत्थलगढ़ा प्रखंड से सभी लोग मिल करके बाध्य होकर के हम लोग 24 घंटा के बाद संडक से लेकर के जिला तक भी आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या मामला है, कैसे घटना घटी है? घटना ही घटा है कि रात में खेटा नाम का आदमी मेरा घर में, इसाद नाम है, आया था। हम लोग सोए हुए थे और एकाएक मतलब की लाइन के हंगामा करने लगा, साड़ी उड़ी खींचने लगा। वैसे हम जाग गए, फिर हमको बेड पर पटक भी दिया। मेरा बेटा भी साथ में सोवल था, वो भी उठा था, चिल्लाने लगा, आवाज भी देने लगे जोर से। उसका बाद चक्कू उक्कू भी दिखाने लगा। उसका बाद में हम लोग खूब चिल्लाने लगे तो वही एथी में फिर भाग गया बाहर। लगभग ये कितने बजे घटना है? वही 12 बजे का लगभग। ये कब का है, कोई किस दिन का है? बीते दिन था 13 तारीख और वही 12 बजे का लगभग। मतलब क्या मांग करना चाहते हैं थाना प्रभारी और अपना थाना प्रभारी से? यही मांग करना चाहते हैं कि इसका लिए उसका गिरफ्तार करें, उसका सजा मिले कि आगे चल के ऐसा घटना फिर न घटे। हमको कहना तो यही है। थाना में आप आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना तो दिए हैं आवेदन। थाना में किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया है तो थाना प्रभारी से क्या कहना चाहते हैं? थाना प्रभारी से यही कहना चाहते हैं कि उसका लिए मतलब ऐसी कीजिए, उसका सजा मिलना चाहिए। भी हम एसपी साहब से भी हम एथी कर रहे हैं कि मतलब वो भी बात के एथी करें, एथी मांग रहे हैं हम कि अनिया के उसका भी एथी मिले। के साथ जो घटना घटी है आप थाना प्रभारी से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यह मांग करती है कि उस आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए ताकि ये विधवा बहन का इंसाफ मिले। बहुत दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि घर में अकेला और 10 वर्ष की बेटे के साथ ये रहती हैं और रात में इरशाद नामक एक मुसलमान व्यक्ति आधी रात में इनके घर में चाकू लेकर घुसता है और इज्जत लेने का प्रयास करता है। यह समाज के लिए बहुत दुखद घटना है और ऐसे जिहादियों को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उसे फांसी का सजा दिया जाए ताकि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रह सके। आप देखते होंगे आज देश में जिहादियों के द्वारा कितना बहनों को रेप कर मार दिया जा रहा है। अगर इनके साथ भी वही घटना हो जाता तो हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इसलिए प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं, विश्व हिंदू परिषद आग्रह करती है उसे 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार किया जाए ताकि शांति बना रहे क्षेत्र में, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद सड़क पर आकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।